धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस विषय पर चिंता करूंगी कि दिल्ली के युवाओं की स्थिति बड़ी अपने आप में चिंताजनक है और ये बात पूरी दिल्ली पर लागू होती है, मेरी विधानसभा पे ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भारी मात्रा में ड्रग्स की जो बरामदी अभी 3-4 दिन पहले हुई है वो अत्यंत चिंताजनक है। यह बरामदगी यह दर्शाती है कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की आपूर्ति की जानी थी। पुणे पुलिस ने पुणे में ड्रग्स बरामद करने के बाद गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली में कोटला मुबारकपुर और मस्जिद मोड़ के इलाके में स्थित 2 गोदामों से 970 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की है। मेफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ ड्रग्स भी कहा जाता है, उसकी इतनी बड़ी बरामदगी के साथ ही दिल्ली से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, उसे हिरासत में लिया गया। यह व्यक्ति एक कोरियर कंपनी से संबंध रखता था जिसके जरिए फूड पैकेट में ड्रग्स की आपूर्ति की जाती थी। अध्यक्ष महोदय, यह बरामदगी इस बरामदगी में यह सामने आया है कि आरोपियों ने ड्रग्स रखने के लिए नमक कारोबारी बनकर 2 दुकानें किराए पर ली थी। यही नहीं, किराएदारों का पुलिस के द्वारा सत्यापन भी किया गया था, इसके बावजूद आरोपी पुलिस की नजरों में नहीं आए। ड्रग्स की इस बरामदगी से दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। प्रश्न उठता है कि ड्रग्स की इतनी बड़ी मात्रा में भंडारण की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी, और दूसरा, वही किराएदार के सत्यापन के बावजूद वह पुलिस से बचने में कैसे सफल हो गए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस के इस संजाल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है कि LG साहब को भी कदम उठाना चाहिए। ये उनका अपना विभाग है और उनके अपने विभाग के अंदर जिस काम को वो बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, और दिल्ली के युवा अपने आप में एक बड़ी भयानक स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं। इसलिए मेरा इस सदन से के माध्यम से LG साहब को ये कहना है कि वो पुलिस को ये जो इंटरनेट जो दिल्ली के अंदर चल रहा है ड्रग्स का, इसको पूरी तरह से वो खंगालें, दिल्ली को बचाएं, दिल्ली के युवाओं को बचाएं, और ये जो उपलब्धता दिल्ली के अंदर ड्रग्स की है इसको जड़ से खत्म करें। धन्यवाद।